हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सहारनपुर के निवासी मारुति नंदन को आतंकी धमकी मिल रही है। बता दें, मारुति नंदन वंदे मातरम नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है। पिछले 3 दिनों से उसको एक ब्लैंक कॉल आ रहा था, जिससे उसको वंदे मातरम ग्रुप बंद करने को कहा जा रहा था एवं ऐसा न करने पर सहारनपुर में ही जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस उक्त मामले में जाँच कर रही है। यह धमकी 7780737831 नंबर से की जा रही है। यह अपराधी अपना नाम सैयद अहमद अंसारी बता रहा है, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। यूके लाइव के लिए ब्यूरो चीफ बलदेव चंद भट्टी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नंदन सिंह, मारुति नंदन जी, ये जो क्लिप वायरल हो रही है, क्या मामला? देखिए, दिनांक 14 तारीख को मेरे पास में जो है कि 2 मिस कॉल पड़ी थी परसों चौथे के, तो मैंने जब उस मिस कॉल पे वापसी में जवाब दिया तो उधर से फोन उठाने वाले ने अपना नाम सैयद अहमद अंसारी बताया और ये बताया कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बताएं, तो मैंने एक जो वंदे मातरम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उस विषय में उसने कहा कि आपने एक ग्रुप क्यों चला रहे हो और जो है कि इस ग्रुप से मेरे जो इतराज़ है, आप इस ग्रुप को बंद कर दीजिए। ठीक है सर, तो उसके बाद से जो है कि मैंने उसे मना करा कि मैं इस ग्रुप को नहीं बंद करूँगा, तो उसने भारत माता के प्रति और हिंदू देवी देवताओं के प्रति काफ़ी अपशब्द गाली गलौज करा। फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया, फिर उसका फ़ोन लगातार मेरे पास आता रहा। फिर उसी तारीख को मैंने शाम को 7:15 उसका फ़ोन अटेंड किया, तो उसने, आपने ऑडियो में सुना होगा, माँ भारत को और जो है भारत माता को और जो है कि मुझे भी जान से मारने की धमकी, थाने को उड़ाने की धमकी और तमाम तरीके के हथियारों अपने पास होने के, जैसे AK-47 वगैरह होने के दावा कर रहा है और जो है कि थाने को उड़ाने की धमकी दे रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, भारत माँ को गाली दे रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है और साथ में ये भी कह रहा है चाहे तुम अपनी कितनी भी सुरक्षा बढ़ा लो, हम तुम्हें 48 घंटे के अंदर मार देंगे जान से। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? देखिए, हमने थाना अध्यक्ष महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और तमाम तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी बात से अवगत करा दिया है, लिखित में भी अवगत करा दिया है थाना अध्यक्ष महोदय सदर बाजार को, लेकिन अभी तक के पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज जैसे हमारे देश के अंदर उग्रवादी गतिविधियां जो है कि बढ़ रही हैं और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार उग्रवाद को रोकने के प्रति अग्रसित है, वहीं सहारनपुर की उत्तर प्रदेश पुलिस इसे रवैये को टाल मटोल कर रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह पुनः 9 से 10 बजे के बीच में उसके 2 फोन आए मेरे पास और मैंने फिर से लेकिन मैंने उस फोन को अटेंड नहीं करा और मैंने थाना सदर बाजार अध्यक्ष महोदय को फिर से मैंने फोन करके बताया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मारुति नंदन इसका नंबर ब्लॉक कर दो। मैंने कहा मान्यवर, जो व्यक्ति भारत माँ को गाली दे रहा है, जो व्यक्ति थाने को उड़ाने की धमकी दे रहा है, जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है और मुझे बार बार फोन कर रहा है, उसका नंबर डिलीट करना किसी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, ब्लॉक करना। तो उन्होंने कहा कि आप उसका नंबर ब्लॉक कर दोगे तो आपको बार बार फोन नहीं करेगा। अरे भाई, बार बार फोन नहीं करेगा लेकिन वो सक्रिय तो रहेगा ना, तो उसकी गिरफ्तारी होनी देश हित में, जनता के हित में आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक हो चुकी है। तो किसके द्वारा आपसे फोन आया था, किस तरीके से आपका नंबर मिला है? देखिए, मैं एक वंदे मातरम ग्रुप चलाता हूँ, मैंने आपको बताया, उसमें से उसने मेरा नंबर उठाया है, उसमें से उसने मेरा नंबर उठाया है। वो बार बार मुझे कहता है कि भारत माँ के प्रति अश्लील, मतलब वो तमाम बातों से उसके ऐसा लग रहा है कि वो देश हित में कार्य नहीं कर रहा है, देश की अनहित में।